के चुनाव नतीजे आ गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बंपर जीत हुई है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में स्थानीय पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनने जा रही है। अगर मिजोरम को छोड़ दे तो बाकी के चार राज्यों के चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का फाइनल माना जा रहा था, यानी बीजेपी ने सेमीफाइनल की लड़ाई 3-1 से जीत ली है। इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा था? क्या वाकई इन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव पर कोई असर डालते हैं? इस वीडियो में हम इन राज्यों के पिछले 20 साल के वोटिंग पैटर्न के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। साल 2003 के बाद से तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महज 6 महीनों का अंतर रहा है। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। इन चारों राज्यों में लोकसभा की 82 सीटें आती हैं। राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11 और तेलंगाना में 17। ऐसे में सेमीफाइनल की जीत लोकसभा की राह और आसान कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें इन राज्यों के वोटिंग पैटर्न को समझना होगा। क्या विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में इन राज्यों का वोटिंग पैटर्न एक रहा है? सबसे पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं। साल 2003 से लेकर 2014 के बीच राजस्थान में एक ही पैटर्न दिखा, यानी जिस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की वही लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ी। 2003 में वसुंधरा राजे की सरकार आई तो अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान की जनता ने बीजेपी को लोकसभा की 21 सीटें दे दी। 2008 में गहलोत सरकार आई तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 सीटें मिल गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और अगले साल मोदी लहर में राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आ गईं। हालांकि 2018 में ये ट्रेंड बदल गया। उस साल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन अगले साल के लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी को 24 सीटें आ गईं। अब बात मध्य प्रदेश की। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी की सरकार बनी। कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी के साथ ही दिखी और 29 में से 25 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। 2008 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाई। अगले साल लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा रहीं। 2013 में भी ऐसी ही स्थिति थी। राज्य में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। कुछ महीने बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मोदी लहर में बीजेपी के खाते में 27 सीटें आईं। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि 2018-2019 में पैटर्न बदल गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। अब छत्तीसगढ़ पर आते हैं। यहाँ की कहानी भी कमोबेश राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह ही है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद साल 2003 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ। बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। अगले साल लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली। 2008 में फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती और कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में वही कहानी दोहराई गई। 2013 में लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वोटरों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट किया। 2018 में हालांकि छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल गया, लेकिन कुछ समय बाद हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की बड़ी जीत हुई। लगातार चौथी बार बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली। आखिर में बात तेलंगाना की। साल 2013 में तेलंगाना के गठन के अगले साल विधानसभा चुनाव हुए तो 119 में से 63 सीटों के साथ केसीआर की सरकार बनी। इसी साल के लोकसभा चुनाव में भी केसीआर की पार्टी को 17 में से 11 लोकसभा की सीटें आईं। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर को 88 सीटें आईं। अगले साल लोकसभा चुनाव हुए तो केसीआर की लोकसभा की सीटें भले थोड़े कम हुईं, लेकिन सबसे ज़्यादा रहीं। कुल मिलाकर ट्रेंड यही बता रहे हैं कि कुछ मौकों को छोड़ दें तो पिछले 20 साल से इन राज्यों की जनता ने जिसे विधानसभा में जिताया उसे लोकसभा में भी ताज पहनाया।